ओके सो हेलो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हाँ जी, और वीकेंड पे क्या कर रहे हो? बताओ बताओ, क्या कर रहे हो वीकेंड पे? यस, हेलो हेलो हिमानी। एनी स्पेशल प्लान्स फॉर वीकेंड? वेरी गुड मॉर्निंग जयश्री। ओके। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग हमारे चैप्टर के डिस्कशन को। हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहां पे हम लोग बात कर रहे थे सर। सबसे पहले हमने बात स्टार्ट किया था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या था बच्चों? सर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो था ना, वो ऐसा कुछ था कि प्राइस में अगर चेंज आएगा, तो प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में जितना चेंज आएगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ बात किया था अपन ने। अभी फिर उसके बाद अपन ने एक मेथड किया था सर, परसेंटेज मेथड हम लोगों ने स्टार्ट किया था, परसेंटेज मेथड। ठीक है, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहां हमने देखा था कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाता है। उधर हम एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं, सो एज टू रिप्रेजेंट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ऐसा कुछ हमने किया था। उसके बाद हमने आउटले एक्सपेंडिचर मेथड पे हमको जाना था, बट वहां पे हमको पता चला कि वो एक्सपेंडिचर मेथड करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज हैं, ठीक है, जो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज है, हमको वो पहले करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज में हमने कर एक सेकेंड हाँ, तो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज के अंदर कल हमने फाइव टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज चेक किया था बच्चों। वन वाज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। एक सेकेंड बच्चों, हाँ जी, तो हमने सबसे पहले किया था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, उसके बाद हमने बात किया था हाईली इलास्टिक डिमांड, देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड एंड परफेक्ट लेस इलास्टिक एंड देन परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का। ओके, बट वो सारा जो हमारा टाइप्स था ना सर, वो पूरा नहीं हुआ था। हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हो गया था, एंड जो दूसरा था दैट वाज हाईली इलास्टिक डिमांड, वो हमने पूरा किया था। तो हमको भी कंटिन्यू करना है विद द यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, एंड आगे के हम लोग कंटिन्यू करते चलेंगे। ठीक है जी, तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में हमने क्या पढ़ा था सर? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में हमने कुछ ऐसा बात किया था कि प्राइस में चेंज नहीं आएगा, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, बट स्टिल क्वांटिटी डिमांडेड विल कीप्स ऑन चेंजिंग। ओके, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, प्राइस सेम रहेगा सर, प्राइस सेम रहेगा, फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता रहेगा सर? चेंज होता रहेगा, इंक्रीज और डिक्रीज होता रहेगा सर, उसको हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ईडी इक्वल्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पे हमारा जो कर्व बनता है वो बिल्कुल ऐसा हॉरिजॉन्टल बनता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, एंड उसके बाद हमने बात किया था हाईली इलास्टिक डिमांड का। किसका बात किया था? हाईली इलास्टिक डिमांड। तो हाईली इलास्टिक डिमांड क्या था सर? सो व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर, इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और वी कैन से व्हेन द डिमांड इज मोर रिस्पॉन्सिव, व्हेन द डिमांड इज मोर रिस्पॉन्सिव टू एनी चेंज इन प्राइस, तो उसको हम बोलते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड। इसका जो कर्व था थोड़ा फ्लैट बन रहा था, एंड मैंने आपको एक नोट लिखवाया था कि फ्लैटर द कर्व हायर विल बी द इलास्टिसिटी, जितना कर्व आपका फ्लैट बनेगा उतना उसका इलास्टिसिटी बढ़ेगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं तीसरे वाले के साथ में। दैट वाज दैट इज दैट इज दैट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। मैंने कल आप लोग को नोट्स जो लिखवाया था इसका, वो मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर दिया था। आई गेस तुम लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, किया?
एंड आज भी तुमको साथ साथ लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आज भी क्या करूँगा, जो उसका फाइल होगा वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो देन आप आराम से कॉपी कर पाओगे, ठीक है। अभी से समझने में ध्यान देना। तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ईडी इक्वल्स टू वन, अब ये कब होता है तो देखना, व्हेन चेंज इन डिमांड, नॉट डिमांड एक्चुअली, क्वांटिटी डिमांडेड, ओके स्पेसिफिक रहे तो क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रहा है इधर, तो व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू चेंज इन प्राइस, मतलब जितना चेंज प्राइस में आया उतना ही चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में आया, ओके जितना चेंज प्राइस में आया उतना ही चेंज अगर क्वांटिटी डिमांडेड में आता है तो उसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ईडी इक्वल्स टू इन वन, समझ लो, विच मीन्स डिमांड इज इक्वली रिस्पॉन्सिव, डिमांड इज इक्वली रिस्पॉन्सिव टू एनी चेंज इन प्राइस, प्राइस तो जितना चेंज होगा उतना मैं चेंज होंगी, जन्म जन्म का वादा है ये, जितना तू चेंज होगा उतना मैं चेंज होंगी, ठीक है, समझ रहे हो। तो व्हेन द चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू द चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, जब दोनों का चेंज जो है सेम अमाउंट में रहेगा सर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यानी कि ईडी इक्वल्स टू वन। इसका जो कर्व है वो कुछ इस तरह से बनता है बच्चों, माय बैड, तो ये बनता है हमारा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व, ओके ईडी इक्वल टू वन। यहां पे अगर आप देखोगे ज्यादा फ्लैट बन गया लगता है, परफेक्ट है, तो देखिए जितना चेंज प्राइस में आ रहा है उतना ही चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में आ रहा है, ओके जितना चेंज प्राइस में आ रहा है उतना ही चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यानी ईडी इक्वल्स टू वन, ठीक है, दिस इज योर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, क्लियर है बात। चलिए अब नेक्स्ट का बात करते हैं, नेक्स्ट जो टाइप आता है वो आता है लेस इलास्टिक डिमांड या लेस देन यूनिटरी या इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। अभी नाम से ही पता चल रहा है इसका कि डिमांड इज लेस इलास्टिक, ईडी इज लेस देन वन, ईडी इज लेस देन वन, कैसा होने वाला है यहां पे तो देखना, व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस रिस्पॉन्सिव to any change in price, when quantity demanded is less responsive to any change in price, तो उसको हम क्या बोलते हैं,
लेस इलास्टिक डिमांड बोलते। ठीक है, इधर क्या होगा, इधर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विल बी लेस देन दी परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब इस बार क्या होने वाला है, प्राइस में ज्यादा चेंज आएगा, क्वांटिटी डिमांडेड में कम चेंज आएगा। प्राइस तो बेचारा पूरी कोशिश कर रहा है, प्राइस बेचारा पूरी कोशिश कर रहा है कि भाई चेंज हो जा हो जा हो जा, प्राइस तो बहुत चेंज हो रहा है, बट क्वांटिटी डिमांडेड उसके रिस्पॉन्स में क्या हो रही है, बहुत कम चेंज हो रही है। वो चेंज दिखाने के लिए राजी नहीं है, बोलती ना आई विल नॉट चेंज, आई विल नॉट चेंज माई डियर, आई विल नॉट चेंज। ठीक है, तो वेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस रिस्पॉन्सिव टू एनी परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो उसको हम बोलते हैं लेस इलास्टिक डिमांड। इधर डिमांड में कम चेंज आएगा एंड इसका जो कर्व रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा, इसका कर्व काफी स्टीप सा रहेगा। ओके, स्टीप सा, बहुत ज्यादा चिपका हुआ सा रहेगा ये डिमांड कर्व। ठीक है, ईडी लेस देन वन, ये क्या हो रहा है इधर, आप देखो ये प्राइस तो ये क्वांटिटी, ये प्राइस तो ये क्वांटिटी। अभी आप देखना प्राइस में इतना बड़ा चेंज आ रहा है और क्वांटिटी में सिर्फ इतना सा चेंज आ रहा है। प्राइस में तो बहुत बड़ा चेंज आ रहा है बट क्वांटिटी में क्या आ रहा है, छोटा सा चेंज आ रहा है, छोटा सा चेंज। तो डिमांड इज लेस रिस्पॉन्सिव टू एनी चेंज इन प्राइस, तो इस तरह के डिमांड को हम बोलते हैं लेस इलास्टिक डिमांड। क्या बोलते हैं, लेस इलास्टिक डिमांड। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, एक लास्ट जो इसका टाइप बच्चा है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग, वो है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ओके, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड यानी कि ईडी इक्वल्स टू जीरो, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड यानी कि ईडी इक्वल्स टू जीरो। एक सेकेंड रुकना बच्चों, हाँ जी, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो बेसिकली सर यहाँ पे क्या होने वाला है, हियर द क्वांटिटी डिमांडेड remains constant, here the quantity demanded remains constant irrespective of any change in। मतलब इधर क्या होने वाला है, प्राइस तो चेंज होता रहेगा, प्राइस विल चेंज, प्राइस नहीं रुकेगा, बट इधर क्वांटिटी डिमांडेड क्या रहेगा, इट विल रिमेन कांस्टेंट। क्वांटिटी डिमांडेड में इतना सा इतू सा भी चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल चेंज नहीं आएगा, नो चेंज एट ऑल। तो व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है, व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, जबकि प्राइस चेंज हो रहा है बट फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, जबकि प्राइस चेंज हो रहा है बट क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। डिमांड जो है वो इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक मतलब चेंज नहीं होती है, परफेक्टली इन इलास्टिक है ये। ठीक है, ऐसा तो ईडी इक्वल्स टू जीरो, देयर विल बी
नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, है ना। ओके चलो, इसका कर्व कैसा बनेगा? इसका कर्व कुछ ऐसा बनेगा। क्वांटिटी डिमांड में तो कोई चेंज नहीं आ रहा ना? हाँ सर, नहीं आ रहा। तो क्वांटिटी डिमांडेड विल रिमेन सेम, स्ट्रेट लाइन बनेगा, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। एंड ईडी का वैल्यू आएगा इधर जीरो, ईडी का वैल्यू आएगा इधर जीरो, विच मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो, यानी कि चेंज जो है वो क्या है, जीरो, यानी चेंज कुछ हो ही नहीं रहा है ना, कोई चेंज आ ही नहीं रहा है। किसमें? क्वांटिटी डिमांडेड। अब आप देख सकते हो उधर, एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्राइजेस क्वांटिटी डिमांडेड इज सेम। ओके, तो इसको हम बोलते हैं परफेक्टली, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो ये आपका फाइव टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी था बच्चों। वन इज परफेक्टली इलास्टिक, जहां पे तो चेंज डिमांड में बहुत ज्यादा आ रहा था। फिर हाईली इलास्टिक, जहां पे डिमांड में चेंज ज्यादा था इन कंपैरिजन टू चेंज इन प्राइस। यूनिट इलास्टिक, जहां दोनों में चेंज बराबर का था। देन लेस इलास्टिक, जहां पे प्राइस में चेंज था, डिमांड चेंज कम था। लेस इलास्टिक है ना, यानी लेस देन यूनिटरी, जहां पे प्राइस में चेंज ज्यादा था, डिमांड में चेंज कम था। एंड लास्ट में हमने देखा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जिधर जिधर केवल और केवल प्राइस चेंज हो रहा था और डिमांड में देर इज नो चेंज। क्लियर है बात? बताओ मुझे एक बार, ये पांचों टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटीज, या फाइव टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज तुमको समझ में आया? पांचों क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ, देन हम इसको कंटिन्यू करते आगे। चलिए बताइएगा आप लोग। तो सर ये हमारा फाइव टाइप्स था जो हमको पढ़ना था, एंड मैंने कहा था ये फाइव टाइप्स कंप्लीट करके हम लोग बात करेंगे। यस सर, ओके। हमने कहा था ये फाइव टाइप्स कंप्लीट करके हम लोग बात करेंगे, किसका? टोटल आउटले मेथड का, यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड का। तो चलिए अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड का। ओके, क्योंकि बिना ये टाइप्स किए हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ ही नहीं पाते सर। बिना ये टाइप्स को पूरा किए हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ ही नहीं सकते थे सर, ठीक है। क्यों नहीं पढ़ सकते थे? अभी आपको रीजन पता चलेगा। तो अब आप भी कहोगे, बोले हाँ सर, ये तो बिना टाइप्स के तो ये हो ही नहीं सकता था, ठीक है। चलिए, मैंने कल आपको बताया था कि जो परसेंटेज मेथड होता है उधर क्या होता है बच्चों, उधर हमारे पास एक एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। जैसे 1, 2, 3, 4, 0.2, 0.5, वहां पे हमारे पास एक एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आता है किसका, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। बट इन 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 केस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, यहाँ पे हमको कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं मिलता है ना। इस मेथड का एक, आप समझ सकते हो, लिमिटेशन ही यही है। इस मेथड का एक लिमिटेशन ही यही है बच्चों, कि यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो वैल्यू निकलता है ना, उसको आप क्या नहीं कर सकते, एग्जैक्ट नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते सर। क्यों नहीं कर सकते? मैंने आपको लिखवाया था लास्ट क्लास में कि यहाँ पे हम कि यहाँ पे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड करते हैं बाय ऑब्जर्विंग द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड एक्सपेंडिचर। प्राइस और एक्सपेंडिचर में जैसा रिलेशन है, उस रिलेशन के बेसिस पे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं किस तरह से यहाँ पे इलास्टिसिटी को कैलकुलेट किया जाता है। वो मैंने एक्सपेंडिचर मेथड का आपको एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी लास्ट क्लास में लिखवा दिया था, अभी इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। चलो
अभी समझना, इन केस ऑफ टोटल आउटले मेथड, इन केस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ तीन तरह का इलास्टिसिटीज का वैल्यू निकल सकता है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ थ्री टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज का वैल्यू ही निकल सकता है। हम यहाँ पे फाइव, जो पांच टाइप्स पढ़ा ना, पांचों का वैल्यू नहीं निकलता इधर। तो सर इधर कौन कौन सा वैल्यूज निकलता है इन केस ऑफ टोटल आउटले मेथड? तो एक तो हमको पता, एक तो जो वैल्यू निकलता है वो निकलता है आपका हाईली इलास्टिक डिमांड, दूसरा जो वैल्यू निकलता है वो निकलता है इधर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का, और तीसरा जो वैल्यू निकलता है वो निकलता है लेस इलास्टिक डिमांड। यहां पे परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक मेथड, नहीं मेथड नहीं, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं। इन दिस मेथड वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ परफेक्टली इनलास्टिक एंड परफेक्ट इलास्टिक। यहाँ पे सिर्फ तीन वैल्यूज निकल के आती है, तीन तरह का इलास्टिसिटीज आप इससे निकाल सकते हो। वन इज हाईली इलास्टिक यानी ईडी ग्रेटर देन वन, ईडी इक्वल्स टू वन यानी यूनिटरी इलास्टिक, एंड ईडी लेस देन वन यानी लेस इलास्टिक। दैट्स इट। ओके, एंड मैंने बताया था यहाँ पे जो मैं ये वैल्यू है वो किस तरह से निकलता है, बाय ऑब्जर्विंग द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड एक्सपेंडिचर। तो समझो, पहले समझना प्राइस हमको क्वेश्चन में दिया होता है, क्वांटिटी भी हमको क्वेश्चन में दिया होता है। ओके, एक्सपेंडिचर हमको नहीं दिया होता है, एक्सपेंडिचर हमको खुद को फाइंड करना पड़ेगा। तो एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं तो देखना अगर हमको एक्सपेंडिचर का वैल्यू निकालना है बच्चों, तो एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो आप प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं किसका, किसके बीच का, बिटवीन प्राइस एंड एक्सपेंडिचर। अभी समझो कैसा हुआ, अरे ये क्या हो गया, एक सेकेंड बच्चों। समझो, पहले किसी कमोडिटी का प्राइस 10 रुपीज था। अब उसका प्राइस 10 रुपीज था तो उस पे उसका जो था 5 यूनिट्स डिमांड किया जा रहा था। दिस वाज प्राइस, दिस वाज क्वांटिटी। तो एक्सपेंडिचर कितना आया, तो प्राइस इनटू क्वांटिटी कर लो, एक्सपेंडिचर आ जाएगा 50। ओके, क्या हुआ, प्राइस डिक्रीज हुआ, कितना हुआ प्राइस डिक्रीज होके, प्राइस डिक्रीज होके 5 रुपीज हो गया, ऑलमोस्ट 50% प्राइस ड्रॉप हो गया। पर जो क्वांटिटी था ना, अब प्राइस डिक्रीज हुआ तो क्वांटिटी बढ़ेगा, पर जो क्वांटिटी बढ़ा वो बहुत कम बढ़ा, क्वांटिटी 5 से 6 हो गया। बताओ ये कोई बात हुई? अभी ठीक है, कंज्यूमर की मर्जी। तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर कितना आया, 30 रुपीज। तो देखो क्या हुआ, प्राइस हुआ डिक्रीज एंड एक्सपेंडिचर हुआ डिक्रीज।
देख रहे हो, प्राइस भी डिक्रीज हो गया एंड एक्सपेंडिचर दोनों डिक्रीज हो गए। ठीक है, तो जब प्राइस और एक्सपेंडिचर, जब प्राइस और एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में मूव करें, दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन हो, कौन सा रिलेशन हो, पॉजिटिव रिलेशन, दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, है ना, दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, तो बेटा इस तरह की इलास्टिसिटीज को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेस इलास्टिक डिमांड। ठीक है, ये कौन सा डिमांड निकल के आया हमारे पास, ये हमारे पास निकल के आया लेस इलास्टिक डिमांड। तो सर लेस इलास्टिक डिमांड दर कैसे, मतलब एक्सपेंडिचर मेथड में कैसे हमने निकाला लेस इलास्टिक डिमांड, तो समझो तो व्हेन प्राइस एंड एक्सपेंडिचर आर पॉजिटिवली रिलेटेड टू ईच अदर, एंड दे मूव इन सेम डायरेक्शन, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रहे, ठीक है, तो देन उसको हम बोलेंगे लेस इलास्टिक डिमांड। आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस डिक्रीज हुआ, एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हुआ, दोनों डिक्रीज हो रहे, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, लेस इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कोई परसेंटेज चेंज इन डिमांड कैलकुलेट नहीं किया, यहाँ पे आपने परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैलकुलेट नहीं किया, सिंपली क्या किया, प्राइस और एक्सपेंडिचर के रिलेशनशिप को देखा कि प्राइस इंक्रीज हुआ तो एक्सपेंडिचर पे क्या असर पड़ रहा है, क्या एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है, क्या एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, तो अगर दोनों अगर सेम डायरेक्शन में, यानी मान लो प्राइस इंक्रीज होता एंड एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होता, या प्राइस डिक्रीज होता और एक्सपेंडिचर डिक्रीज होता, तो वो क्या कहलाता, लेस इलास्टिक डिमांड कहलाता। ओके, क्या कहलाता, लेस इलास्टिक डिमांड कहलाता। क्लियर है बात? ओके जी सर, ये रहा इसका एग्जांपल। तो लेस इलास्टिक डिमांड कब, पॉजिटिव रिलेशन, यहां लिख देते हैं एक बार में ताकि आसानी रहेगा बाद में रिवाइज करने में। ठीक है, अब दूसरे वाले पे आते हैं। अब क्या है, देखो वही प्राइस क्वांटिटी एक्सपेंडिचर, प्राइस जो है वो है वही सेम 10 रुपीस, क्वांटिटी है वही 5 रुपीस, एक्सपेंडिचर हो गया 50। फैन ऑन कर देना ना, हाँ जी, तो प्राइस है 10, क्वांटिटी है 5, एक्सपेंडिचर हुआ 50, फिर से प्राइस हुआ डिक्रीज और क्वांटिटी इस बार हो गई इंक्रीज, पहले भी हुई थी इंक्रीज पर इस बार बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, क्वांटिटी इंक्रीज होके हो गई है 15, तो एक्सपेंडिचर कितना आया बच्चों, एक्सपेंडिचर कितना आया सर, 5 × 15 कितना होता सर, देखो सर ये होता 75, कितना होता 75, तो अभी क्या हुआ सर, अभी समझो सर, प्राइस हुआ डिक्रीज और एक्सपेंडिचर हुआ इंक्रीज, इस बार एक्सपेंडिचर ने प्राइस का साथ छोड़ दिया, जो इनकी दोस्ती थी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, वो दोस्ती टूट गई, प्राइस हुआ डिक्रीज, एक्सपेंडिचर हुआ इंक्रीज, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो व्हेन प्राइस एंड एक्सपेंडिचर मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, और वी कैन से व्हेन दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, तो इसको हम बोलेंगे हाईली इलास्टिक डिमांड। ओके, इन केस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड ये क्या होगा बच्चों, ये होगा हाईली इलास्टिक डिमांड। तो हाईली इलास्टिक डिमांड कब हुआ, जब दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, समझ रहे हो, बंधन, ये बंधन तो प्यार का बंधन है,
वैसा, समझ लो। पर यहां पे प्यार का बंधन नहीं है, यहां पे इनवर्स रिलेशन है। कैसा? इनवर्स। प्राइस इंक्रीज हुआ तो एक्सपेंडिचर डिक्रीज होगा, एंड प्राइस डिक्रीज हुआ तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा। तो जब इस तरह का इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलेगा हमको बिटवीन प्राइस एंड एक्सपेंडिचर, तो उसको क्या कहेंगे? टोटल आउटले मेथड से हम उसको क्या कहेंगे? हाईली इलास्टिक डिमांड, यानी कि ग्रेटर देन यूनिटरी उसको कहा जाएगा। ठीक है। एंड दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों के रास्ते बदल गए। आज तक जो साथ थे वो आज साथ छोड़ के चले गए। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते ना, जाने वाले को कौन रोक सकता? रोक सकता क्या कोई? कोई नहीं रोक सकता। चलिए, हाईली इलास्टिक डिमांड, सेकेंड टाइप ऑफ इलास्टिसिटी जो हम कैलकुलेट, जो हमने देखा बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। अब बात करते हैं तीसरा और आखिरी टाइप जो हम एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू फाइंड कर सकते हैं, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है। अभी क्या होगा? अभी तूफान आएगा। प्राइस था 10 रुपए, क्वांटिटी था 50 रुपया, एक्सपेंडिचर एक सेकेंड, प्राइस था 10 रुपये और क्वांटिटी था 5, तो टोटल एक्सपेंडिचर रहा 50। नाउ प्राइस फिर से डिक्रीज हो गया और क्वांटिटी इंक्रीज हो गया। ओके, प्राइस फिर से डिक्रीज हो गया एंड क्वांटिटी फिर इंक्रीज हो गया, एक्सपेंडिचर कितना? फिर 50। तो समझो, प्राइस हुआ डिक्रीज बट एक्सपेंडिचर कैसा रहा? एक्सपेंडिचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आया सर, वो तो एज इट इज रहा है, वो कांस्टेंट है सर। तो समझो, जब जब प्राइस इंक्रीज हो या फिर प्राइस डिक्रीज हो, ठीक है, जब प्राइस या तो इंक्रीज हो या फिर हो डिक्रीज, बट एक्सपेंडिचर क्या रहे? एक्सपेंडिचर रिमेन कांस्टेंट, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे, एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना आए, तो इस तरह के इलास्टिसिटी को हम बोलते हैं बच्चों यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यहां पे क्या होगा? एक्सपेंडिचर रिमेन कॉन्स्टेंट, फिर चाहे प्राइस बढ़े या प्राइस कम हो, अगर एक्सपेंडिचर क्या है सर? कॉन्स्टेंट है, तो इसको हम बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्या बोलेंगे? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है, इवन इफ प्राइस इंक्रीजेस और इफ इट डिक्रीजेस। इफ एक्सपेंडिचर रिमेंस क्या? कांस्टेंट सर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलेंगे बाय एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर है बात?
हाँ जी क्लियर है, समझ में आया, बताओ। हाँ जी सर, समझ में आ गया है ये, चलिए बहुत बढ़िया, अगर समझ में आ चुका है तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो ये था हमारा बच्चों एक्सपेंडिचर मेथड, जहाँ पे हमने प्राइस और एक्सपेंडिचर के बीच का रिलेशन को ऑब्जर्व करके हमने क्या करा, इलास्टिसिटी को फाइंड करा। यहाँ पे तीन टाइप्स का इलास्टिसिटी निकलता है, ये मेथड डिसएडवांटेज यही है कि यहाँ पे आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, कितना आ रहा है 1 2 3 4, नहीं यहाँ पे सिर्फ ये पता लग सकता है कि डिमांड हाईली इलास्टिक होगी कि लेस इलास्टिक होगी कि 1, इवन 0 एंड इन्फिनिटी वाला भी कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं कर पाते हैं। आई बात समझ में? हाँ जी सर, ठीक है, चलिए आगे बढ़े यहाँ से। ओके अब आते हैं नेक्स्ट मेथड पे, ठीक है। नेक्स्ट मेथड जो है दिया है आपको, वो दिया है मेरे ख्याल से पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, है ना। चलो उसकी बात करते हैं। तो ये दो मेथड्स हमारे पूरे हो गए, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं विद दिस मेथड। इसको मैं आपको इसमें करा देता हूँ, क्योंकि ये जो पॉइंट मेथड है ना, ज़्यादा काम का नहीं है, बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ लिखने का ज़रूरत भी नहीं है इसमें, तो उसको हम इधर से ही पढ़ के कर लेते हैं, ठीक है। देखो पॉइंट मेथड कुछ नहीं करना है, आपको कर्व दिया है, कर्व पे जो पॉइंट्स दिया ना, वो पॉइंट्स को मदद करके, वो पॉइंट्स को मदद नहीं, वो पॉइंट्स को मार्क करके, वो पॉइंट्स को मार्क करके हम क्या करेंगे यहाँ पे, इलास्टिसिटी को मेजर करेंगे। तो इन केस ऑफ पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड हमारे पास जो फॉर्मूला रहता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का, एक सेकेंड, हाँ हमारे पास जो मेथड या मेथड रहता है इलास्टिसिटी को मेजर करने का, वो मेथड रहता है यहाँ पे लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। क्या? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। सर ये लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट क्या होता? तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ प्राइस को नहीं देखना, कुछ क्वांटिटी को नहीं देखना, सिंपल सिंपल कर्व बनेगा, पॉइंट मार्क करेंगे, और वो पॉइंट के थ्रू हम क्या कर लेंगे, इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो आओ देखते हैं, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, फॉर्मूला आपने देख लिया लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट। अब देखो ये आपका इलास्टिसिटी और डिमांड का कर्व है, अभी जो वैल्यू इधर लिखी है ना, इनको गोली मारते हैं, इनको अभी छुपा देते हैं, हमको नहीं पता क्या लिखा है। ओके अब देखो ये 5 पॉइंट्स मार्क किए जाएंगे इस कर्व पे, ठीक है, और ये 5 पॉइंट्स पे हमको क्या करना है, इलास्टिसिटी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। मतलब आप भी क्या कर सकते हो, ये सिंपल एक कर्व बनाया, ये यहां से यहां तक मार्क किया इसको, और बीच में 5 पॉइंट्स मार्क कर दिए, एक तो बीच में, एक इन दोनों के बीच में, और एक इन दोनों के बीच में, और इन 5 पॉइंट्स पे हमको क्या करना है, इलास्टिसिटी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये 5 पॉइंट्स पे हमको क्या करना है, इलास्टिसिटी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सर तो कैसे करेंगे, तो देखो मान लेते हैं सबसे ऊपर वाला पॉइंट है ये वाला, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है सर लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, एल एस अपॉन यूएस, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो समझो ये कर्व है, इस कर्व के नीचे यानी लोअर सेगमेंट में, यानी इस कर्व के नीचे कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, पॉइंट्स नहीं सॉरी, कितने एरियाज आ रहे हैं, कितने सेगमेंट आ रहे हैं। सेगमेंट मींस व्हाट, सेगमेंट मींस ये डिफरेंस या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये जो सेगमेंट कहोगे ना, मतलब ये जो दो दो पॉइंट्स हैं, इन दो दो पॉइंट्स के, ये दो पॉइंट्स के बीच में जो एरिया है इसको सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं टॉप वाले पॉइंट का बात करूं, इस वाले पॉइंट का बात करूं, तो इसका इलास्टिसिटी अगर निकालूं तो इसका इलास्टिसिटी कितना आएगा, तो फॉर्मूला लगाते हैं लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट।
तो इस पॉइंट के नीचे कितने सेगमेंट आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, चार सेगमेंट आ रहे हैं। तो 4 अपॉन अपर सेगमेंट, अपर सेगमेंट। इस पॉइंट के ऊपर कितने सेगमेंट आ रहे हैं? एक भी नहीं। इस पॉइंट के ऊपर तो कोई सेगमेंट ही नहीं है, यानी जीरो। तो 4 अपॉन 0 इनफाइनाइट। तो ये बन गया आपका ईडी इक्वल्स टू इनफाइनाइट, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यानी इस पॉइंट पे क्या है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, इसको अपन ईडी इक्वल्स टू इनफाइनाइट बोलेंगे। ये हो गया पॉइंट मेथड। पॉइंट को मार्क करके हमने क्या कर लिया? वैल्यू फाइंड कर लिया। तो आपको क्या कैसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? आपको कर्व बना के देगा, ये 5 पॉइंट्स मार्क कर देगा और बोलेगा बताओ ये पॉइंट ए पे इलास्टिसिटी कितनी है। तो तुमको याद रखना है या तुमको ये फॉर्मूला लगा के फाइंड कर लेना है। अब बात करते हैं ये वाले पॉइंट का, दूसरे वाले पॉइंट का। फॉर्मूला लगाऊं, लोअर सेगमेंट अपन अपर सेगमेंट, कितने लोअर सेगमेंट हैं? 1, 2, 3 अपॉन अपर सेगमेंट, कितना है अपर सेगमेंट है? 1। तो 3 अपॉन 1 यानी 3, 3 मतलब ग्रेटर देन 1। ईडी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रहा है, हाँ। तो ईडी ग्रेटर देन 1 यानी हाईली इलास्टिक डिमांड, ठीक। फिर इस पॉइंट का फाइंड करें, इस पॉइंट के नीचे कितने सेगमेंट हैं? 2 सेगमेंट हैं। इस पॉइंट के ऊपर कितने सेगमेंट हैं? 2 सेगमेंट हैं। तो 2 अपॉन 2 1 यानी ईडी इक्वल्स टू 1। क्लियर बात, ठीक है, ईडी इक्वल्स टू 1। फिर इस वाले पॉइंट का बात करूं तो लोअर सेगमेंट, कितना लोअर सेगमेंट है? 1 अपॉन अपर सेगमेंट, कितने अपर सेगमेंट है? 1, 2, 3। तो 1 अपॉन 3 इज 0.3 यानी लेस देन 1। तो ईडी इज लेस देन 1, ठीक है। एंड लास्ट जो पॉइंट बचता है इधर वाला, तो इसके लोअर सेगमेंट में कितने इस पॉइंट के नीचे कितने लोअर सेगमेंट आ रहे हैं? एक भी नहीं, 0। तो 0 अपॉन अपर में कितने हैं? 1, 2, 3, 4। तो 0 अपॉन 4 इज 0। तो इधर इलास्टिसिटी और डिमांड कितना आ जाएगा? 0। तो ये 5 पॉइंट्स है जिनका पांचों का अपन को क्या मिल गया? इलास्टिसिटी का वैल्यू मिल गया। तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। था सिर्फ पॉइंट, सिंपल पॉइंट आप याद भी कर सकते हो कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो इन्फिनिटी होता है, देन लेस देन ग्रेटर देन 1, इक्वल्स टू 1, लेस देन 1, देन 0। नहीं तो चाहो तो फॉर्मूला लगा सकते हो, लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट अपने आप आ जाएगा। तो बहुत आसान मेथड था ये पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, इसलिए मैंने कहा इसको बुक में से कर लेते हैं, क्यों फालतू परेशान होने का, कुछ लिखने जैसा इसमें कुछ है ही नहीं। ओके, आई होप समझा होगा तुमको, ये आसान ही था, ये इसमें कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अब नेक्स्ट मेथड पे जाएं। चार मेथड्स थे, प्राइस इलास्टिसिटी हो गया, एक्सपेंडिचर मेथड हो गया, देन पॉइंट इलास्टिसिटी हो गया, लास्ट एक बचता है मेथड, दैट इज आर्क इलास्टिसिटी। तो उसको भी करके खत्म करते हैं, बहुत आसान सा मेथड है। एंड टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी हो चुका है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये टॉपिक हमारा प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड पूरा हो जाएगा, उसके बाद इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी बाकी रहेगा, ठीक है। चलो, आर्क मेथड बहुत आसान है, ये कुछ नहीं करना है इस मेथड में, कोई लॉजिक कुछ नहीं, सिंपल एक फॉर्मूला याद रख लो। सिंपल क्या करो? सिंपल एक फॉर्मूला याद कर लो। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है ये वाला, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 अपॉन P1 प्लस P2। ओके, देखो तो ये मेथड कब यूज करते हैं वो ध्यान देना। इफ देर आर स्मॉल चेंजेस इन डिमांड एंड प्राइस, ठीक है, एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय द पॉइंट मेथड, मतलब ऊपर वाले मेथड से अगर हम क्या नहीं कर सकते, इलास्टिसिटी फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे आर्क मेथड को यूज में लिया जाता है। और समझो कैसा होता है ना, पहले जो परसेंटेज मेथड था वहां पे आपने क्वेश्चन देखा होगा, तो वहां पे क्या होता, प्राइस इंक्रीज एंड प्राइस डिक्रीज हो रहा था, जिसकी वजह से क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही थी रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे क्या, यहाँ पे प्राइस इंक्रीज या प्राइस डिक्रीज नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको दो डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस दिया है और दो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी दिया और बोलते हैं लाओ इलास्टिसिटी निकालो।
यहाँ ऐसा नहीं हो रहा कि प्राइस पहले चेंज हो रहा है कि देयर इज अ चेंज इन प्राइस और प्राइस चेंज हो रहा है या प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से क्वांटिटी चेंज हो रहा है। ना 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 ना, ना। दो अलग अलग प्राइस दे दिए, दो अलग अलग क्वांटिटी दे दिए और बोल दे जाओ इलास्टिसिटी निकालो। तो यहाँ पे हमको पता ही नहीं है ओल्ड प्राइस कौन सा न्यू प्राइस कौन सा, तो हम यहाँ पे परसेंटेज मेथड तो यूज ले ही नहीं सकते। समझना मेरी बात को, है ना। जब हमको P1 P0 पता ही नहीं है, न्यू प्राइस ओल्ड प्राइस, तो हम कैसे यूज में लेंगे परसेंटेज मेथड, क्योंकि यहाँ तो दो अलग अलग प्राइस दे दिए, दो अलग अलग क्वांटिटी दे दी। ये तो ना बोला कि पहले प्राइस इतना था बाद में इतना हो गया, सिंपल दो अलग अलग प्राइस दो अलग अलग क्वांटिटी। तो वहां पे हम कौन सा मेथड यूज में लेंगे, ये आर्क इलास्टिसिटी मेथड यूज में लेंगे। फॉर्मूला Q2 - Q1 / Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय P1 - P2 / P1 + P2। ओके, P1 या P2 - P1 / P1 + P2। सर P1 P2 Q1 Q2 किसको लेंगे, अरे दो अलग अलग प्राइस लिया ना, तो सिंपली किसी को भी ले लो P1 P2 Q1 Q2। पहला वाला जो प्राइस है उसको P1 ले लिया, दूसरे वाले को P2 ले लिया, पहली वाली क्वांटिटी को Q1 ले लिया, दूसरी वाली क्वांटिटी को Q2 ले लिया, बात खत्म, और सीधे फॉर्मूले में रख दिया, है ना। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, ये रहा एग्जाम्पल P1 P2 Q1 Q2। तो फॉर्मूला क्या है, Q2 - Q1, तो 2000 - 1000 / Q1 + Q2, यानी 2000 + 1000 डिवाइडेड बाय P2 - P1, है ना, P2 - P1, तो 1 - 2 / 1 + 2, ये हो गया 1000, ये हो गया 3000, ये हो गया डिवाइड, ये नेगेटिव साइन आगे आ जाएगा, ये 1/3, क्लियर है बात, ये डिवाइड है, रेसिप्रोकल करोगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/3 क्योंकि 0 से 0 कैंसिल हो गया, इंटू 3/1 कैंसिल आउट, तो आंसर आ गया 1। माइनस का 1 मतलब, अरे वो माइनस का 1 इंडिकेट कर रहा है इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, तो वैसे वैल्यू कितनी आई, 1, यानी यानी डिमांड कैसी है, यूनिटरी इलास्टिक। ओके, डिमांड कैसी है, यूनिटरी इलास्टिक। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे आर्क मेथड को, आर्क इलास्टिसिटी को यूज करके हम इलास्टिसिटी डिमांड फाइंड करते हैं। क्लियर है बात, हाँ आई होप ये भी समझा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा तुमको, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा 4 मेथड्स पूरा हो गया टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके चलिए, अब यहाँ पे एक रिलेशनशिप दिया हुआ तुमको बिटवीन एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये मैं अभी नहीं कराऊंगा आपको, अभी तक आप लोगों ने एवरेज रेवेन्यू क्या होता है वो नहीं पढ़ा है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है वो नहीं पढ़ा है। तो जब हम पहले आगे के चैप्टर पढ़ेंगे ना, कॉस्ट, प्रोडक्शन, रेवेन्यू, तब हम एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का बात करेंगे, तब हम ये रिलेशनशिप का बात करेंगे, अभी नहीं बात करेंगे, क्योंकि अभी हमने एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू पढ़ा नहीं है। कुछ नहीं है यहाँ पे, ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा इक्वेशन है जो हमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और वो इक्वेशन है ये वाला, MR = P और ब्रैकेट में 1/1 - E, E मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। खैर ये फॉर्मूले की हम तभी बात करेंगे, अभी बात नहीं करेंगे, क्लियर, ठीक है जी। तो सारे मेथड्स हमारे यहाँ पे हो गए जिसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अब इस चैप्टर में क्या बचता है, मतलब ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टॉपिक में क्या बचा है, एक तो बचा है ये चीज, ये इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देन आपका बचा है इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी, और एक बचा है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये करने के बाद हमारा जो चैप्टर है वो, मतलब चैप्टर नहीं, ये जो टॉपिक है एक और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये पूरा हो जाएगा, और डिटरमिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी। तो ये सारे टॉपिक जो है अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, तो उसी के साथ नेक्स्ट क्लास में हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला पोर्शन पूरा हो जाएगा। बचेगा फिर इसके बाद क्या, सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट, क्लियर, हाँ जी, ओके। तो आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा अच्छे से हमने क्या पढ़ा है, जो भी हमने अब तक पढ़ लिया है बच्चों उसको अच्छे से रिवाइज करने का, एक बार वापस से पूरा गो थ्रू करने का सो दैट कोई भी दिक्कत आएगा तो अपन बाद में सॉल्व कर पाएंगे। इन क्वेश्चंस का चिंता मत करना, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, जैसे एक चैप्टर पूरा हो जाएगा फिर अपन उसे क्वेश्चंस भी कर लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। चलो तो अपन मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में बच्चों, जहां हम इसका ये जो इलास्टिसिटी वाला टॉपिक है उसको हम खत्म करेंगे, एक तो इनकम इलास्टिसिटी करके, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी करके, एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ
इलास्टिसिटी करके, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बच्चों, एंड ये जो फाइल है मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसको कॉपी कर लेना। डन, ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय।